उत्तर प्रदेश के, ये सीट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को जब चुनने जा रही है, तो आपका भी दायित्व बनता है कि बड़े पैमाने पर बड़े मार्जिन से उनको जिता कर भेज। आपने उनका चुनाव घोषणा कल अखिलेश ने जारी किया है, समाजवादी पार्टी का लिखा होगा। जन कल्याणकारी योजनाएं जो बाबा जी ने बंद करा दी थी वो तो शुरू होंगी ही, कुछ नई चीज़ें भी और हैं जो लोगों को, हर व्यक्ति को, हर परिवार को लाभ पहुंचाने वाले हैं। चाहे 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात हो, चाहे किसानों के लिए सिंचाई मुफ्त हो, बहुत सारे बिल आते थे, बहुतों पर बिजली चोरी के मुकदमे लिख जाते थे कि कनेक्शन नहीं लिया, वो मुकदमे भी वापस होंगे और बिल भी किसी के पास नहीं आएगा, ये व्यवस्था कर। कन्या प्रजाधन फिर शुरू हुआ, फिर से लैपटॉप बटेंगे और फिर से 50 लाख लोगों को रोजगार देने का काम होगा। लोग मारे मारे फिरते हैं, उसमें दो बातें, चुनाव घोषणा पत्र में प्रिंट हो चुका था, रह गई थी, इसको अखिलेश ने बाद में ट्वीट किया है, मैं बताना चाहता हूँ। एक तो ये कि जो महिला अध्यापक हैं जूनियर हाई स्कूल और प्राइमरी स्कूल को बेसिक शिक्षा, ये अपने जिले में ही पोस्ट होंगी, अभी बहुत दूर दूर घरों से पड़ी हैं, कोई होम डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट होंगी। और जो प्राइमरी स्कूल और जूनियर हाई स्कूल के टीचर बहुत दूर दूर हैं, करेल का कोई लड़का है और नौकरी पोस्टिंग करती बलिया, वे 100 किलोमीटर घर से 100 किलोमीटर से ज्यादा दूर पर कोई पोस्ट नहीं होगा, उसके अंदर ही हो सकता है। और BETET के जो लोग आंदोलन कर रहे थे वो उस चुनाव घोषणा पत्र से रह गया था, किसी तरह से जो बना जो लिख रहे प्रिंटिंग वालों में गलती हो गई, उनको करेक्ट करके अखिलेश ने दोबारा ट्वीट किया गया। उन सबको जो हक है उनका उसके हिसाब से समायोजित किया जाएगा, एज ए कम्प्लीट, एज ए रेगुलर टीचर प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल, जिसके लिए वो क्वालिफाइड। इसके अलावा ये लड़के सड़कों पर दौड़ते रहते हैं, प्रैक्टिस करते हैं बहुत सालों से, बाबा ने भर्ती नहीं कराई थी, तो उसमें आप जानते हैं कि एक थाने में कई बार ऐसा होता है कि घटना कहीं हो जाए तो सब चले जाते हैं, इतनी कम फोर्स होता है कि अगर कोई और आदमी आ जाए थाने तो तहखैर उठा ले जाए, इतना कम पुलिस फोर्स है हमारे, लाखों वैकेंसियाँ हैं, उन सबको पूरा किया जाएगा ताकि ये नौजवान जो प्रैक्टिस करते हैं कि सब उनके सपने न टूट जाए, वो ओवरेज न हो जाए, वो शीघ्र पहली साल में ये सब किया जाएगा। आप देखते हैं तो गाँव में स्कूल है, प्राइमरी स्कूल जो है हाई स्कूल, 5 क्लास होते हैं, 10-5 है और टीचर 1 है, टीचर 2 है, 1 टीचर है तो 4 क्लास के लड़के क्या करते हैं, कोई इधर खेलता है, कोई इधर करता है, किसी को टीचर ही काम देता है, कोई पाले पढ़ो एक टीचर बैठा देते हैं, बोले बैठ जाते हैं, वो पढ़ा पढ़ते हैं, दो एक दो बात को सब लड़के चलाते हैं, दो एक दो दो चार होता नहीं होता, टीचर ही नहीं, अगर पाँचों हों तो बच्चों की पढ़ाई सही हो तो पढ़ाई नहीं हो पा रही। लाखों टीचर्स की वैकेंसी है, जितने शिक्षाविद हैं BETET हैं, सबको समायोजित करने के बाद भी वैकेंसियाँ बढ़ती हैं, तो अगर गवर्नमेंट चाहे, गवर्नमेंट का मनसा ठीक हो, नियत ठीक हो, तो सबको वो समायोजित कर सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट है जो, अच्छा ये बिल्कुल नहीं कम वहाँ दिल्ली बैठे लोगों को एक मंत्र दे दिया था, अडवाणी अडानी और अंबानी है, कितनी तनख्वाह तुम देती हो, इससे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखिए, 10,000 दोगे और पैसे रेगुलर करोगे अपॉइंटमेंट तो 50,000 देने पाए, ये था इसलिए नौकरियाँ मिल रही है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, तो सब नौकरियाँ कॉन्ट्रैक्ट करती, कोई मतलब नहीं, जब आप काम पकड़ के हटा दी तनख्वाह कर देंगे और रोज तरवाल रखती रहेगी खतरे की, वो अब कॉन्ट्रैक्ट का जो खत्म हो गया, रेगुलर अपॉइंटमेंट होंगे, जिनको ये 10,000 रुपया देते थे गवर्नमेंट 50,000 रुपया दे रही है, ये सारी चीजें हैं जो हम करने जा रहे हैं आगे सरकार बनते, तो सरकार बनने में कोई संदेह नहीं, बलिया से लेके इधर चले जाइए सहारनपुर तक,
माहौल बिल्कुल बदलाव का है, जनता का मूड बदलाव का है। हर वर्ग हर जाति का आदमी अपनी समाजवादी पार्टी को वोट दे। मैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खासतौर से कहना चाहता हूँ, इस हर घर पर वोट मांगने जाइए। कई बार लोग ऐसा करते हैं, साल ये तो हमें वोट देते नहीं थे, इनके पास वोट नहीं मांगने जाते। आप वोट मांगने जाइए, सब वोट देना चाहते हैं। कोई एक न कहे कि हमारे पास समाजवादी पार्टी का आदमी वोट मांगने नहीं आया, मैं तो वोट देना चाहता था लेकिन वोट ही मांगने नहीं आया। तो ये आप लोगों की तरफ से कोई गलती न हो, लोग वोट देना चाहते वोट देंगे, और जो नहीं भी देना चाहते हैं जब उसके सामने आप वोट मांगने जाएंगे तो कम से कम वो विरोध की धार तो कम हो जाएगी, और विरोध की धार कम ये हो जाएगी वो भी आपकी जीती। अगर कस के कोई विरोध करे तो आपके खिलाफ 10 वोट डलवा देगा, नहीं कस के करेगा तो अपना वोट डालेगा, थोड़ा चलो देखा जाएगा जीत कर रही है। ये ज़्यादा जितने जाइए और विनम्रता से जाइए, कहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर कोई आरोप न लगे ये करते हैं धमकी देते हैं या गुंडई करते हैं, ये नहीं लेना चाहिए। ये कलंक हटा दीजिए, हमेशा वो प्रचार करके करते हैं, पहले नहीं थे प्रचार किया जाता है, वो प्रचार भी न करने का मौका दो किसी तरह का, क्योंकि अब चुनाव जैसे जैसे आता जाएगा बीजेपी की जो आईटी सेल है उसमें कम से कम 50,000 आदमी लगे हुए हैं रोज फर्जी बातें लिखने के लिए, वे समाजवादी पार्टी के बन के और ट्वीट करेंगे, व्हाट्सएप पर डालेंगे और बयान दूसरों से करवाएंगे, टोपी लगाने के लाल और लोगों को गाली देंगे, इनसे बचिएगा। सारा फर्जी होगा ये आप चुनाव तक, उस फर्जी वाले से बचना कहना है। जो आज आइए सोशल मीडिया सब झूठ बोल रहे हैं, सब गलत है, आपको कहा नहीं बीजेपी के पास गाली गलौज करते हैं रोजाना, ये समाजवादी पार्टी बनो पार्टी यही कहते हैं वो रहने, कहीं पैर रखने को तो रहने, पश्चिम में तो जहाँ जाते हैं वहाँ बीजेपी के लोग बैठ रहे हैं, एमएलए बैठ रहे हैं, सब उन्हीं के थे पहले, अब एक भी नहीं जीता। तो ये हालत है, तो ये बहुत फ्रस्ट्रेशन में है, मनमानी बात कहेंगे, जब कोई गाली गलौज कर करा तो समझिए कि हार रहा है, तो ये हार रहे हैं इसलिए गाली देते हैं। आज उसका कोई जवाब उस तरीके से वो चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग उनके इन्हीं बातों में उलझ जाए, विकास और उनकी जो आजकल जो पूरी तरह से फेल हो गया बाबा, उनकी कहीं बात न करें, हम लोग केवल विकास पर अपने चुनाव उठना पर, और जो अत्याचार हुआ है, जो पिछड़े दलितों सबका शोषण हुआ है पिछले 5 साल में, वो चीजें लोगों को सामने रखें, उसी को लेकर चुनाव करें, अधिक से अधिक वोट डालें, 90% 95% वोट डालें, और बहुत शांति से लाइन लगा के वोट डालना, प्रसारिंग अफसर कभी आपका विरोध नहीं करेगा अगर आप लाइन से वोट डालते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आपने कड़ा मौसम में भी आने का कष्ट किया।